HWARFNGO ने KVIC के साथ साझेदारी में खादी अभियान का चौथा कार्यक्रम सफलता के साथ पूरा किया। 23 अक्टूबर को सेवा मंडल एजुकेशन सोसाइटी के श्रीमती सुनंदा प्रवीण गंभीर चंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज कॉलेज ने खादी महोत्सव 2023 में खादी के प्रचार के लिए हिस्सा लिया। यहां पर 350 से अधिक छात्राओं ने खादी के महत्वपूर्ण व्याख्यान में योगदान दिया और सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया, जिसमें महात्मा गांधी जी और प्रधानमंत्री मोदी के फोटो के साथ बी वोकल फॉर लोकल, खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन का प्रचार किया गया, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन NGO ने खादी ग्राम उद्योग आयोग के साथ साझेदारी में इस महोत्सव का आयोजन मुंबई के अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। इस मौके पर KVIC के डायरेक्टर योगेश भामारे, HWARFNGO की फाउंडर क्रिस्टीन स्वामीनाथन, राइजन स्वामीनाथन ट्रस्टी HWARF, प्रेम पंजाबी ट्रस्टी HWARF, शिल्पा शेटिगा प्राध्यापिका, डेल्फिना गुरव उपाचार्य और श्रीमती सुनंदा प्रवीण गंभीरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज कॉलेज की टीचर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। KVIC के डायरेक्टर योगेश भामरे ने आई हुई छात्राओं को खादी के महत्व के बारे में बताया और PMAGP प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। HWARF की फाउंडर क्रिस्टीन स्वामीनाथन ने बताया कि 25 से 27 अक्टूबर के बीच कॉलेज में खादी का प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। इसमें खादी और अन्य सामान 99 रुपए से मिलेंगे। खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, बी वोकल फॉर लोकल, बाय खादी एंड आत्मनिर्भर भारत को महाराष्ट्र सरकार महोत्सव के तौर पर चला रहा है। और भविष्य में जब आप यहाँ से जाओगे तो खादी के रिलेटेड अगर कोई आपको कुछ काम करने का मौका मिले या फिर काम करने के रिलेटेड कुछ काम आए तो जरूर आप उस आदमी को गाइड कर सको जिससे कि उसकी जरूरत पूरी हो सके। सो मुझे आप ये बताइए कि कितने लोगों को खादी के बारे में पता है? यस और नो, हाथ ऊपर करेंगे। कपड़ा होता है, चरखा होता है, मोर का पता है? हाँ हाँ, सही सही बोल रहे हैं, बताइए। हाँ तो चरखे में से धागा बनता है। किसी को पूरा प्रोसेस पता है खादी कैसे बनता है? खादी जब आप कपड़ा बनाते हो तो उसमें मशीन यूज होता है कि नहीं? यस और नो। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सेवा मंडल एजुकेशन सोसाइटी और डॉक्टर सुनंदा गंभीरचंद नर्सिंग कॉलेज को। प्रिंसिपल मैडम है हमारे शिल्पा शेट्टीकर मैडम और डेल्फिना मैम, इनके सपोर्ट से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें 300 बच्चे आज पास होकर नर्सिंग से जस्ट निकले हैं। तो इनके साथ में इन्होंने आज हम लोग ने बहुत खादी के बारे में अवेयरनेस किया है कि किस तरीके से खादी बनाया जाता है, खादी की क्या क्या बेनिफिट्स है, और अगर खादी के बिजनेस है जैसे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है उसमें कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, ये सारा मतलब आज हमने चर्चा की। और इसके अलावा यहाँ पर एग्जीबिशन रखा है 25th of October, 26th और 27th अक्टूबर को, ये पूरा खादी का मतलब यहाँ पर एग्जीबिशन होगा। और इसी माध्यम से मैडम जो प्रिंसिपल मैम ने बच्चों को कैसे एनरोलमेंट करना है और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, इस सेल्फी पॉइंट के द्वारा फ़ोटोग्राफ खींच के PMO के पोर्टल पे लिंक शेयर किया हुआ है। तो आई थिंक बहुत बेनिफिट होगा, ये मैसेज भी स्प्रेड हो रही है और हमारी जो कंटिन्यू जो ये चल रही है कैंपेन, आज हमारा 4th कैंपेन है, तो इससे काफ़ी लोग बच्चे भी बहुत अवेयर है और आई थिंक थ्रू स्टूडेंट्स वी कैन स्प्रेड एज मेनी नंबर ऑफ मैसेज एंड वर्ड्स टू बाय खादी, बी वोकल फॉर लोकल, बाय खादी। हमारे सुनंदा प्रवीण गंभीरचंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग यहाँ पे आज जो
ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन और खादी ग्रामोद्योग का जो मंत्रालय डिपार्टमेंट है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी की जी अपनी ये है कि खादी को प्रमोट करने के लिए और स्टूडेंट्स को आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसको खादी के बारे में मालूम होने के लिए, उसके रिलेटेड जो स्कीम्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आज कॉलेज में एक लेक्चर दिया गया। और हम लोग लास्ट नेक्स्ट 3 डेज़ यहाँ पे एक खादी का एग्जीबिशन करने वाले हैं, एक सेल्फी पॉइंट लिया है जहाँ पे बच्चे लोग खादी को प्रमोट करेंगे और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये बच्चों के थ्रू हर घर में पहुंचकर, हर घर इंडिया का हर घर में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना, यही एक मकसद है। बहुत ही बड़ी स्टेप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ली है, क्योंकि उन्होंने बहुत राइट तरीके से यूथ को टिप लिया यहाँ पर कि जो यूथ आगे जाके जिस खादी की वजह से अपने इंडिया को पहचान मिली है, वो खादी अगर यूथ को मालूम नहीं है तो फिर इंडिया की पहचान ही निकल जाएगी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा स्कीम, थ्रू द स्कीम बहुत ही अच्छा ये पहल है, अच्छी पहल है। और इस तरह से आगे आने वाली जनरेशन, जैसे सर ने बताया था कि यही जनरेशन ही खादी को प्रमोट करेगी और यही जनरेशन खादी का मार्केटिंग भी करेगी, तो आई थिंक नॉट ओनली इन इंडिया बट एंटायर वर्ल्ड में खादी की पहचान बनी रहेगी ये यूथ को सेंसिटाइज करके। तो वी थैंक खादी ग्राम उद्योग एंड KYC कि उन्होंने ये हमसे शुरुआत की और हमारे स्टूडेंट्स को इसमें शामिल कर दिया। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो वी थैंक ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फॉर प्रमोटिंग दिस। थैंक यू।